जय हिंद जय भारत दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। पेपर फर्स्ट और यूनिट थर्ड, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्रीय एकाकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध, इंग्लिश में नेशनल इंटीग्रेशन, इमोशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। वन ऑफ वीडियो में हम जानेंगे कि नेशनल इंटीग्रेशन के अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता क्या है और क्या बाधाएँ आती हैं नेशनल इंटीग्रेशन में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं आपके लिए। दोस्तों, इससे पहले कि हम नोट्स पे जाएं, आइए आसान शब्दों में समझ जाते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण होता क्या है। देखिए, हिंदुस्तान में कहा जाता है कि कोस कोस पे बदले पानी, ढाई कोस पे वाणी, यानी कि थोड़ी जगह जाओगे तुम्हारी पानी बदल जाएगी, उससे आगे जाओगे तुम्हारी वाणी यानी कि तुम्हारी भाषा बदल जाएगी। हिंदुस्तान जो डाइवर्सिटी का कंट्री है, यहाँ पर विभिन्नताएँ बहुत हैं। एक प्रदेश में दूसरी भाषा, दूसरे प्रदेश में दूसरी भाषा, एक का खाने का तरीका कुछ अलग, दूसरे का खाने का भोजन कुछ अलग, पहनने का, त्यौहार का, फेस्टिवल का, हर एक प्रकार की विविधता है। लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? वो है भारतीयता, हिंदुस्तानी होने पे गर्व। वो क्या है? मुल्क के प्रति, अपने देश के प्रति सेक्रीफाइसेस, कुर्बानियां, एक होना, हम होना, हिंदुस्तानी होना, यही वास्तव में नेशनल इंटीग्रेशन कहलाता है। एक होना, लाख विविधताएं हैं, लाख डाइवर्सिटी है, फिर भी हम यूनाइटेड हैं, फिर भी हम एक हैं, इसी को कहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन, इसी को कहते हैं राष्ट्रीय एकीकरण। क्या खूब यहाँ पे लिखा गया कि नेशनल इंटीग्रेशन मींस फीलिंग ऑफ वी, हम की भावना, मैं नहीं, यहाँ पे कोई मैं नहीं, यहाँ पे सारे हम हैं। सो द नेशनल इंटीग्रेशन मींस फीलिंग ऑफ वी एमंग द ऑल द पीपल ऑफ अ नेशन, पूरे राष्ट्र के लोगों में एक हम की भावना ही क्या कहलाता है, नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है। अब आगे देखिए, व्हेन ऑल द पीपल ऑफ अ कंट्री आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाई वी फीलिंग, जब सारे देश के लोग हम की भावना से जुड़े हो, डिस्पाइट ऑफ हैविंग देयर डिफरेंसेस इन रिलीजन्स, इन कास्ट, इन कल्चर, इन रीजन, उनके क्षेत्र में, उनकी जाति में, उनकी धर्म में, उनकी संस्कृति में विविधता के बावजूद भी, अगर किसी राष्ट्र के सारे लोग वी फीलिंग से, हम की भावना से जुड़े हैं, तो वही नेशनल इंटीग्रेशन कहलाता है, वही राष्ट्रीय एकाकीकरण कहलाता है। व्हेन द पीपल ऑफ नेशन थिंक अबाउट द नेशंस एंड सिटीजन्स ऑफ नेशन, जब किसी राष्ट्र के लोग पहले राष्ट्र के बारे में, पहले राष्ट्र के लोगों के बारे में सोचते हैं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को त्याग कर, अपने पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट को त्याग कर, व्हेन द पीपल ऑफ अ नेशन थिंक अबाउट नेशन एंड द सिटीजन ऑफ नेशन बिफोर देयर पर्सनल इंटरेस्ट, इट्स नोन एज अ नेशनल इंटीग्रेशन। जब अपनी पर्सनल सेल्फ चीज़ों को त्याग कर, छोड़कर हम राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, यही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय एकाकीकरण कहलाता है। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है कि हर एक हिंदुस्तानी इस पे लिखना चाहे तो 10, 15, 20 पेज आसानी से लिख जाता है। मतलब यही है राष्ट्रीय एकाकीकरण, कि एक राष्ट्र की भावना, एक देश की भावना, एक हम होने की भावना, एक भारतीय होने की भावना अपने अंदर लेना और एक दूसरे से एक भारतीय होने के साथ कनेक्ट रहना, जब बात देश की आए तो अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को त्याग कर देश के बारे में सोचना, सर्वप्रथम देश को प्रिय रखना, यही क्या कहलाता है भाई, राष्ट्रीय एकाकीकरण कहलाता है। और राष्ट्रीय एकाकीकरण नेशनल इंटीग्रेशन में आगे लिखा गया है कि नेशनल इंटीग्रेशन प्ले अ डायनामिक रोल इन द मेकिंग अ कंट्री एज वन, एक बनाने में, एक देश को एक बनाने में राष्ट्रीय एकाकीकरण, नेशनल इंटीग्रेशन एक डायनामिक रोल प्ले करता है। दिस हैपन ओनली बाई यूनाइटिंग एवरी सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी, जब समाज के हर एक वर्ग को एक किया जाता है, तब ये चीज़ें क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। इट प्रोवाइड्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ईच सिटीजन, राष्ट्रीय एकाकीकरण से क्या होता है भाई, नेशनल इंटीग्रेशन से सब समान अधिकार पाते हैं, किसी राष्ट्र के व्यक्ति समान अधिकार पाते हैं। इट ऑफर्स इक्वल प्लेटफॉर्म इन टर्म ऑफ सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, हर एक राष्ट्र के व्यक्ति को एक समान प्लेटफॉर्म मिलता है सामाजिक, सांस्कृतिक और इकोनॉमिक विकास के लिए। तो राष्ट्रीय एकाकीकरण का मतलब सबको समान भावना से समझना, सबको एक समझना, और इससे क्या होता है, एक डायनेमिक रोल प्ले करता है कंट्री के डेवलपमेंट में, और ये सबको समान प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय एकाकीकरण में और भी बहुत कुछ लिखी जा सकती हैं, लेकिन समझने के लिए इतना काफ़ी है कि हम की भावना होना,
एक राष्ट्रीयता की भावना होना यही नेशनल इंटीग्रेशन कहलाता है। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक चीज़ है इमोशनल इंटीग्रेशन, भावात्मक एकता। भावात्मक एकता और नेशनल इंटीग्रेशन में बहुत फ़र्क नहीं है, जरा चीज़ों को समझ जाइए। नेशनल इंटीग्रेशन इज़ द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन। हम राष्ट्र के साथ जुड़े होते हैं तो अपने इमोशंस के साथ भी जुड़े होते हैं। अगर इंडिया क्रिकेट मैच हार जाता है तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर इंडिया का कोई एक व्यक्ति गोल्ड मेडल, जैसे रिसेंटली नीरज चोपड़ा जी को गोल्ड मेडल मिला, हम सारे खुशी से झूमने लगे। क्यों? क्योंकि हम अपने कंट्री से इमोशनली कनेक्टेड हैं। तो वही कहा गया है कि ये राष्ट्रीय एकाकीकरण, नेशनल इंटीग्रेशन इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन। इमोशनल इंटीग्रेशन क्या होता है? इमोशनल इंटीग्रेशन कैन बी ऑन एनी बेसिस लाइक प्लेस, कास्ट, लैंग्वेज, लेक्चर, रिलीजन। मतलब जो ये इमोशनल भावात्मक एकता है ना, वो किसी से भी हो सकती है। पता है बहुत लोगों को अपने बैट से प्यार है, बहुत गर्ल्स को अपने टैडी बियर से जुड़े होती हैं इमोशनली, कुछ को अपने पेन से, कुछ को अपने बैग से, कुछ को अपने पर्स से, कुछ को अपने मेकअप से। तो हर एक चीज़ से हम इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्सन से भी हो सकते हैं, हर एक वस्तु से भी इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत लोग धोनी से, विराट कोहली से, मेसी से, रोनाल्डो से, अपने सुनील छेत्री से, तो बहुत लोग इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है कि इमोशनल इंटीग्रेशन कैन बी ऑन एनी बेसिस लाइक प्लेस, कास्ट, लैंग्वेज। हम अपनी भाषा से भी प्यार करते हैं, तो लेक्चर और रिलीजन, अपने धर्म से भी हम क्या इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं। आगे देखिए, अ पर्सन कैन बी इमोशनली कनेक्टेड विद एनी थिंग लाइक ऑब्जेक्ट्स, प्लेस, नेम, पर्सन। सॉन्ग से भी लोग इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। अरिजीत सिंह का सॉन्ग सुनते ही आंखों में जो भी हो, हमें तो कभी नहीं हुआ। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर आपको क्लियर डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि इमोशनल इंटीग्रेशन और नेशनल इंटीग्रेशन में फर्क क्या है। ये एक लाइन आपको चीजें क्लियर कर देंगी। वो क्या है दोस्तों? व्हेन दिस इमोशनल इंटीग्रेशन इज फाउंड अमंग ऑल द पर्सन ऑफ अ नेशन। मान लीजिए हम किसी को हरा से प्यार है, मैंने क्या कहा, इमोशनली इंटीग्रेशन, किसी को हरा से प्यार है, किसी को लाल से प्यार है, किसी को सफ़ेद रंग से इमोशनली कनेक्टेड है, लेकिन पूरे देश के लोग तिरंगा से इमोशनली कनेक्टेड है। तो जब किसी चीज़ से पूरे राष्ट्र के लोग कनेक्टेड हो जाते हैं इमोशनली, तो वो नेशनल इंटीग्रेशन का रूप बन जाता है। यही चीज़ लिखी गई है कि व्हेन दिस इमोशनल इंटीग्रेशन इज़ फाउंड एमोंग ऑल द पर्सन ऑफ अ नेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन इंटरेस्ट, दे लीव देयर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट। वो अपनी पर्सनल चीज़ें, वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को त्याग देते हैं, लीव कर देते हैं फॉर द नेशनल इंटरेस्ट कॉल्ड अ नेशनल इंटीग्रेशन। जब देश के सारे लोग किसी चीज़ से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट को त्याग कर, तो वही चीज़ें क्या होती है भाई, नेशनल इंटीग्रेशन कहलाती हैं। पता है इमोशनल इंटीग्रेशन और नेशनल इंटीग्रेशन अलग नहीं है एक दूसरे से, लेकिन नेशनल इंटीग्रेशन क्या है, इमोशनल इंटीग्रेशन का ही एक स्पेसिफिक फॉर्म है, एक स्पेसिफिक रूप है। तो उम्मीद है दोस्तों इमोशनल इंटीग्रेशन आपको समझ में आ गई होगी और नेशनल इंटीग्रेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही शॉर्ट में वीडियो को फिनिश करना है और आइए बात करते हैं नीड्स ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन। क्या ज़रूरत है इंटरनेशनल एकाकीकरण की, क्या ज़रूरत है? सबसे पहला पॉइंट्स ये हेडिंग में बता रहा हूँ, इसके अंदर आप स्वयं ही लिख सकते हैं। आपको मुझे पता है कि आप ज़रूर लिख सकते हैं, एक हिंदुस्तानी इस पे नहीं लिखेगा तो और कौन लिखेगा। प्रमोट सोशल हार्मोनी, सामाजिक सद्भावना बरकरार रखने के लिए, इसको प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। नेशनल इंटीग्रेशन से सामाजिक सद्भाव बना रहता है, हम एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं, इज्जत का भाव रखते हैं, प्रेम का भाव रखते हैं। किस लिए भाई? नेशनल इंटीग्रेशन से, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब भारतवासी हैं। दूसरा क्या भाई, यूनाइट्स द नेशन, राष्ट्र को एक करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करने के लिए नेशनल इंटीग्रेशन की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट क्या भाई, इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। जब सारे लोग एकजुट होकर काम करेंगे, एकजुट होकर एक फीलिंग के साथ काम करेंगे, तो इमोशनली ग्रोथ भी होगा।
नेक्स्ट क्या भाई, प्रोमोट्स लॉयल्टी फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए अपने प्रेम को बढ़ाने के लिए, लॉयल्टी बढ़ाने के लिए, विश्वास बढ़ाने के लिए भी क्या होता है भाई, नेशनल इंटीग्रेशन की ज़रूरत होती है फॉर नेशनल डिफेंस। ऑब्वियस सी बात है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने सुना होगा, कहानी पढ़ा होगा कि अगर 5 लकड़ियाँ अलग अलग हैं उसे तोड़ना आसान है, लेकिन वो जब यूनाइट हो जाती हैं, जब एक हो जाती हैं, तो लकड़ी के गट्ठे को तोड़ना मुश्किल है। तो जब हम नेशनली इंटीग्रेटेड रहेंगे, जब राष्ट्रीय एकाकीकरण में राष्ट्र के प्रति हम एक रहेंगे, तो हमारे देश को कोई तोड़ नहीं सकता। फॉर नेशनल डिफेंस, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, एंड फॉर नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्र के विकास के लिए। तो ये थी दोस्तों नीड्स ऑफ इमोशनल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, ये इसके नीड्स थे, इसकी जरूरत क्यों थी, इसके बारे में हमने पॉइंट्स देखा। सोशल हार्मोनिक, सामाजिक सद्भावना, नेशंस को यूनाइट करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, प्रोमोट्स लॉयल्टी फॉर द नेशन एंड फॉर द नेशनल डिफेंस एंड फॉर नेशनल डेवलपमेंट। उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ऑब्स्टिकल दोस ऑफ इमोशनल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। देखिए ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हाँ, इतनी खूबसूरत चीज़ और इतनी अच्छी चीज़ों के भी कुछ दोस होते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ गलत चीज़ें होती हैं, कुछ रोड़ा होती हैं, कुछ बाधाएं होती हैं, और वो उन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। वो क्या चीज़ें हैं भाई, नेशनल इंटीग्रेशन से क्या दोस हो सकता है, क्या परेशानी हो सकती है, लेकिन है। पहली चीज़ें क्या है दोस्तों, कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता। कभी कभी क्या होता है कि आप किसी चीज़ से इतना इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं कि आप सांप्रदायिक बन जाते हैं, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, मतलब सांप्रदायिक रूप ले लेता है हमारे अंदर। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ है, कम्युनलिज्म होना, सांप्रदायिक होना, एक दूसरे से लड़ना, चाहे वो रंग के नाम पर या जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या फिर लिंग के नाम पर, लड़के लड़की आपस में ये चीज़ें लड़ना, ये क्या होता है भाई, एक इमोशनली और नेशनल इंटीग्रेशन की दोष है कि हम भूल जाते हैं। हम ठीक है भाई, सबको अपने धर्म से प्यार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के साथ गलत करें। तो यही सब चीज़ें भाई, इसका एक दोस्त है कि नेशनल इंटीग्रेशन या इमोशनल इंटीग्रेशन से क्या होता है, हम थोड़े से सांप्रदायिक हो जाते हैं अपने उन चीज़ों के लिए, अपने उस धर्म के लिए, अपने उस जाति के लिए। तो सांप्रदायिकता क्या है, एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, दोष है। नेक्स्ट बात करते हैं कास्टिज्म, फिर से वही बात, जाति व्यवस्था, जातिवाद, ऊंच जाति होना, नीच जाति होना, स्वर्ण जाति होना। तो ये देखिए, हर एक को अपनी जाति से प्यार है, ठीक है, हर एक लोग अपनी जाति से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब इस मोहब्बत को लोग नफरत के रूप में देखने लगते हैं, सब नहीं होते हैं, सब बिल्कुल नहीं होते, अभी भी बहुत अच्छे लोग, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दे सपोर्ट इक्वालिटी, दे सपोर्ट यूनिटी, दे डोंट कंसर्न अबाउट द कास्ट एंड द रिलीजियस। और स्पेशली देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप बीएड में हैं तो आपको ये चीज़ें क्यों पढ़ा रही है ये, क्योंकि हम और आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, और एक शिक्षक पूरे राष्ट्र का निर्माण करता है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि ये दोष है, आप कोशिश करिए कि इस सब चीज़ों को ख़त्म किया जाए। तो जाति व्यवस्था भी क्या है भाई, एक दोष है, एक बाधा है, एक गलत चीज़ है नेशनल इंटीग्रेशन का, इमोशनल इंटीग्रेशन का। नेक्स्ट है भाई क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद आप देखेंगे जब आप दूसरे क्षेत्र में जाएंगे कि हम लोग कहते हैं कि तुम यूपी से हो, तुम बिहार से हो, आप साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, नागालैंड, असम, हमको इस सब में बांट दिया गया है। जब हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो हमें क्षेत्र के नाम पे अपशब्द सुनने को मिलता है कि तू बिहारी है, तू फलाना है। तो ये क्या है भाई, ठीक है आपको अपने स्टेट से प्यार है, हमें भी अपने स्टेट से प्यार है, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम एक देश में हैं, एक राष्ट्र में हैं। तो वही चीज़ें हैं दोस्तों, इमोशनली और नेशनल इंटीग्रेशन का ये क्या हो गया भाई, ये दोष हो गया, ये उसकी ऑब्स्टिकल हो गई। नेक्स्ट क्या भाई, संकीर्णता की सोच भी हमारे लिए क्या है, दोष हो जाती है इमोशनली। और नेक्स्ट आता है लैंग्वेज, भाषावाद, मतलब मैं बंगाली बोलता हूँ, मैं मराठी बोलता हूँ, मैं गुजराती बोलता हूँ, तो मुझे अपने भाषा से प्यार है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी दूसरी भाषा का सम्मान ना करें। तो इमोशनली अगर हम किसी भाषा से कनेक्टेड हैं तो हम दूसरी भाषा को उतना रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे बंगाल्स में, तो ये भी एक कंसर्न हुआ, बंगाली वर्सेस नॉन बंगाली, जो बंगाली, सो समथिंग्स लाइक इट हैपन इन द पॉलिटिक्स ऑल्सो। तो ये भाषावाद होना, कम्युनल, जाति, क्षेत्रवाद, संकीर्णता, भाषावाद, ये दोस्तों क्या हो जाती है, एक ऑब्स्टिकल हो जाती है, एक दोष हो जाती है। एंड लास्ट बट द मेजर प्रॉब्लम इज
पॉलिटिकल पार्टीज, वोट बैंक, ये भी इमोशनल सबसे बड़ा दोस्त है। ठीक है, आपको बीजेपी से प्यार है, आपको कांग्रेस से प्यार है, आपको बसपा से, आपको सपा से प्यार है, ठीक है, इट्स फाइन। इफ यू आर कनेक्टेड इमोशनली विद सपा, बसपा, बीजेपी एंड कांग्रेस, इट्स योर मैटर। इट डजंट अलाउ यू टू डिसरिस्पेक्ट अदर्स हु डोंट सपोर्ट योर पार्टीज। तो हमें मतलब नहीं है ना कि हम बीजेपी से अगर हम इमोशनली कनेक्टेड हैं तो हम कांग्रेस वालों से लड़े। नो, दिस इज योर डेमोक्रेटिक राइट कि आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वोट करें, बट इट डजंट अलाउ यू टू डू हार्म विद द अदर पार्टीज सपोर्टर्स। मतलब सिंपल सी बात है, ठीक है, आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं करिए, लेकिन ये एक दोष है कि हम अपनी पार्टी से इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं कि अपने दोस्तों से, अपने रिलीजन से, अपने रिलेटिव से हम क्या करते हैं भाई, हमारे रिश्ते, हमारे संबंध ख़राब हो जाते हैं। तो ये क्या है, हम इमोशनली कनेक्टेड हैं, उसके डिसएडवांटेज हैं, उसी के दोष हैं, उसी के क्या है, बाधाएँ हैं। दोस्तों बहुत सारी टॉपिक हैं इसमें लिखने के लिए, लेकिन इतना काफ़ी है एज़ पर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आपको ये चीज़ें क्यों पढ़ाई जा रही है, आप कैसे इस चीज़ को सुधार कर सकते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ टीचर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन टू डेवलप नेशनल इंटीग्रेशन, क्या भूमिका है आपकी, कैसे इसको संवार सकते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है, विद्यार्थी कौन होते हैं, विद्यार्थी इस देश का भविष्य होते हैं, और शिक्षक कौन होते हैं, शिक्षक इस देश के भविष्य के निर्माणकर्ता होते हैं। उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, अ टीचर हैज़ बीन रिगार्डेड एज द बिल्डर ऑफ अ नेशन, आप राष्ट्र के निर्माणकर्ता हैं दोस्तों। ही इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट बाय हिज बिहेवियर, एक टीचर अपने व्यवहार से बच्चों को प्रभावित करता है। ही शुड हैव अ नेशनल आउटलुक एंड रिफ्लेक्ट द नेशनल कॉन्सिक्वेंस एक्शंस conduct and behavior so that the student may receive the message of the national integration। कहने का मतलब है कि एक शिक्षक को इस प्रकार के अपना व्यवहार अपनी क्रियाएं को ग्रहण करना चाहिए कि वो विद्यार्थियों में नेशनल इंटीग्रेशन का मैसेज दे सके, और स्टूडेंट में रिसीव द मैसेज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, और विद्यार्थी क्या कर सकें, राष्ट्रीय एकाकरण की मैसेज को, भावना को वो ग्रहण कर सकें, अपने अंदर रख सकें। एक शिक्षक को एक इस प्रकार से शिक्षण करना चाहिए। और भी बहुत सारा लिखा है भाई कि विद्यार्थी राष्ट्र के भविष्य होते हैं और शिक्षक उन भविष्य का निर्माण करने वाला, अर्थात किसी भी राष्ट्र का भविष्य कैसा होगा वो इस बात पे निर्भर करता है कि उसके स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे तथा पढ़ाने वाले शिक्षक कैसे हों। शिक्षक की इतनी बड़ी भूमिका है राष्ट्र के निर्माण में, इसीलिए दोस्तों बीएड में ये सिलेबस में रखा गया है ताकि हम बच्चों को जब पढ़ाएं तो उनके अंदर एक राष्ट्र, एक होने की भावना डेवलप करें। तो पॉइंट देख लीजिए, फटाफट पॉइंट देख लीजिए, पॉइंट क्या है, सेंस ऑफ अ नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना है बच्चों के अंदर। सपोर्ट एंड रेस्पेक्ट, बच्चों को ये बताना है कि हर एक वर्ग, जाति, समाज, रंग, लिंग, सबको सपोर्ट करना है, सबका सहयोग करना है, सबका सम्मान करना है, इसकी भावना उत्पन्न करानी है बच्चों में। सेंस ऑफ इक्वालिटी, सब में समानता, कोई किसी से भिन्न नहीं है, लड़का है या लड़की है वो एक दो एक समान है, एक इक्वल है, कोई ज़रूरत नहीं किसी से भेदभाव रखने की, कोई भी जाति वर्ग का हो सब समान है, इसकी भावना बच्चों में डेवलप करना है, उत्पन्न करना है। दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग दिस नेशनल इंटीग्रेशन इन आवर सिलेबस। द नेक्स्ट वन, पावर ऑफ पेशेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ पेशेंस बताना है कि धैर्य की शक्ति बतानी है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा तुमसे समझाए तो तुम उस पर चढ़ जाओ, नहीं, धैर्य की शक्ति उस बच्चों को समझाना है। एंड द लास्ट वन, पावर ऑफ लव, प्रेम की शक्ति। मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में बच्चों को ये पढ़ाने की ज़रूरत है, दे आर वेल फैमिलियर विद दिस। बट एक डिसएडवांटेज है इसका, मैं आपको बता दूं कि व्हेन वी टॉक अबाउट द लव एंड द पावर ऑफ लव, इट डजंट मीट द यू नो द लव ऑफ स्पाउस, लव ऑफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स एंड यू नो द लव ऑफ वाइफ, देर कैन बी मोर रिलेशंस लाइक ब्रदर एंड सिस्टर, दिस इज द बेस्ट रिलेशन इन दिस वर्ल्ड, आई बिलीव सो। तो एक लड़का एक लड़की के बीच में और भी रिलेशंस हो सकते हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये बच्चों को बताना है कि कैसे आप सबसे प्रेम से रहें, बड़ों से इज्जत से रहें, ठीक है दोस्तों। सो प्लीज़ आप इस तरह से बच्चों को टीचिंग कराएंगे। तो ये हमने देखा दोस्तों नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में, क्या देखा कि एक शिक्षक का क्या रोल है, शिक्षा का क्या रोल है नेशनल इंटीग्रेशन की भावना में। उसी के साथ हमने देखा कि इसके गुण और दोष क्या हैं नेशनल इंटीग्रेशन में, और इसके साथ हमने देखा कि इसकी क्यों ज़रूरत है नेशनल इंटीग्रेशन की, और इसी साथ हमने नेशनल इंटीग्रेशन को समझा, उसकी चीज़ों को जाना।
तो ये था दोस्तों इमोशनल इंटीग्रेशन और नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक था अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध, उसको अगले वीडियो में देखेंगे ताकि चीज़ों को ईजिली अपलोड किया जा सके। और इस कंसर्न से अगर कोई भी क्वेश्चन आप पूछिए, और देखिए मैंने कहा ही नहीं आपको कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और मत करिए, लेकिन प्लीज़ आप एक बात मुझे ज़रूर बताइए कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे समझाने का तरीका, ये चीज़ें आपको कैसा लगा, और आगे मुझे कौन से क्वेश्चंस पे वीडियो बनाने हैं ये मुझे सजेस्ट कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत बड़ा एम्पायर या बिजनेस नहीं खड़ा करना है, मुझे चीज़ों को खुद समझना है और जो मुझे समझ में आ रही है वो आप तक पहुँचाना है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी कैसी लगी, ये आपको क्या मदद कर रही है चीज़ों को समझने में और आपके सीरीज और आपके बुक्स को पढ़ने में। अगर हाँ तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए चैनल से, ताकि ऐसे ही ये प्लेटफॉर्म चलता रहे, हमारे और आपके बीच में ज्ञान का आदान प्रदान होता रहे। तो राष्ट्रीय एकाकीकरण को ख़त्म करते हैं दोस्तों इस कोर्स के। जय हिंद।